शादीशुदा औरत वाला लुक ना ना खाना। इससे पहले विदाई होते हैं, दूल्हा दुल्हन से मिल लेते हैं। शेयरिंग नहीं होगी अभी। शांति प्रिया घूमती जा रही है, जो पैसे है ना प्लेटों में वसूल कर। हम सबके लड़के गायब है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। देखो आज मैं सुबह सुबह तैयार होकर बैठ गया हूँ, पता क्यों? क्योंकि हम दिल्ली जा रहे हैं। आज हमारी फ्रेंड एमी की शादी है और उसकी शादी के लिए आज हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं। वुड यू बिलीव इट, चैनल और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। मेरा पति एकदम ऐसे फॉर्मल शर्ट और पैंट और कोट में, और मैं ये पहन के जा रही हूँ शादी में। कैसे भी मेरा आउटफिट बेस्ट, मजाक कर रही हूँ गाइस, ऐसे थोड़ी जाऊंगी मैं। इधर पूरा आउटफिट दिखाएंगे मेरा, ये देखो ये निक्कर में थोड़ी जाऊंगी। सो मैंने मेकअप वेकअप कर लिया, आई एम वेयरिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी टुडे, जो मैंने शादी के ट्रूजो में ली थी। मेरे ट्रूजो की सबसे महंगी साड़ी है, पता है तुझे? क्योंकि मैंने टूजो पे ना ज्यादा कपड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि ऑलरेडी शादी में इतना खर्चा हो गया था, बट जितने भी बनाए थे बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और उसमें से अभी तक एक साड़ी जो सबसे हैवी है वो मैंने अभी तक नहीं पहनी थी, सोचा था किसी स्पेशल वेडिंग पे पहनूंगी। आज मेरी फ्रेंड की शादी है तो उसकी शादी में पहनूंगी। मेकअप हो चुका है, यू कैन सी, बस इयररिंग्स रह गए, बैंगल्स पहन लिए मैंने, नेल्स लगाए हुए हैं, सिर्फ साड़ी ड्रेपिंग रहती है। तो अभी हम यहीं से निकलेंगे साथ में, ये लोग मेरा इंतजार करेंगे, मैं अपनी साड़ी बनवाऊंगी और फिर हम जाएंगे दिल्ली। एकदम हीरो लग रहा है बेबी, फॉर्मल में क्या लड़कों की एकदम शक्ल ही निकल आती, लेकिन बहुत एकदम ना बंदर अकड़ कैसे बैठ जाता है पता है। ही लुक्स रियली हैंडसम एंड सेक्सी इन फॉर्मल्स में, तो बहुत अच्छा लगता है फॉर्मल्स। पहले बहुत पहनता था लेकिन उसके बाद ऐसी आदत छूटी है फॉर्मल्स पहनने की, अब पहनने कोविड के बाद से ना सबको पजामे टी शर्ट की आदत हो गई है, अब फॉर्मल पहनना नहीं। पहले मैं बहुत फॉर्मल पहनता था, अब नहीं पहना, बिल्कुल नहीं पहना। तो अभी ये फॉर्मल में रेडी हो गया, इसका कोट पड़ा है, तो अभी मृतिक आ रहे हैं लेने, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वेडिंग, इट्स अ लव मैरिज। एमी एंड यश आर गेटिंग मैरिड, उनकी लव मैरिज है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, शी इज क्रिश्चियन एंड ही इज कश्मीरी पंडित, राइट? तो बहुत, मैं पहली बार एक हिंदू वेडिंग अटेंड करने वाली हूँ जो कश्मीरी पंडित की है। हाँ, मैंने भी कभी नहीं देखी। थोड़े से रिचुअल्स अलग होते हैं, ऑफकोर्स आई थिंक काफी डिफरेंस होता होगा, बट जाएंगे तो पता चलेगा। एंड इनकी भी हमारी तरह मॉर्निंग वेडिंग है, तो चल चलते हैं, ऋतिक का कॉल भी आ रहा है ना, चलो फटाफट निकलते हैं, फिर हम आपको फाइनल लुक ना वहीं पहुंच के दिखाएंगे, क्योंकि अब तो तैयार होकर बस गाड़ी में बैठना है। मेरे मेकअप कैसा लग रहा है? एक नंबर, अच्छा लग रहा है। डे वेडिंग के हिसाब से ना गाइस, मैंने ना आईज लाइट रखी है, बिकॉज मेरा आउटफिट जो है वो डार्क कलर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मैं मेरा सिंदूर नहीं देखा तूने, कैसा लग रहा है? एकदम सही लग रहा है ना? मैंने गाइस आज पाउडर्ड सिंदूर लगाया, आई लव दिस लुक, यू नो, ये शादीशुदा औरत वाला लुक मेरे को बड़ा पसंद है। बस इयररिंग्स पहनने हैं भारी भारी वाले, और जो एमी की वेडिंग फोटोग्राफी है वो हमारी ही टीम है, मतलब ऋतिक की ही टीम है, तो टीम वहां पे पहुंच चुकी है, बस हमें पहुंचना है। तो मतलब अगर हमारी टीम है तो हमारी फोटोज भी खींचेंगी, तो हम अच्छी अच्छी फोटो खींचेंगे और नया नया फोटो फ्रेम लगवाएंगे, ठीक है? ऐसे जैसे ये आई थी ना, वैसे दूसरों की कल रिसेप्शन है ना, रिसेप्शन का टाइम भी हाँ उसमें गीतेंगे, हाँ हाँ बोलेंगे उसको। मैं प्यार होके अपनी साइड ट्रिप करा के आ चुकी हूँ, वी आर सुपर लेट एंड लुक हु इज हियर, वी आर मीटिंग आफ्टर वन ईयर, राइट? पूरे एक साल बाद हम सब मिल रहे हैं। अभी प्रीति और मोहक नहीं आए हैं, उनका वेट कर रहे हैं। प्रीति बहुत लेट हो गई ना, उसकी मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत डिले कर दिया, बट जब तक हम पहुंचे हैं यहाँ पे, अब ऑलमोस्ट विदाई का टाइम हो चुका है गाइस, तो चलो इससे पहले विदाई होते हैं, दूल्हा दुल्हन से मिल लेते हैं। मेरी पूरी लुक मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी, पहले हम थोड़ा शादी अटेंड कर ले, उसके बाद दिखाऊंगी अपनी लुक। फोटोग्राफी है सर, अपनी आउटफिट तो दिखा दो जरा, बड़े ही कूल हमारे फोटोग्राफर सर यहाँ पे आए हैं टीम को कोऑर्डिनेट करने, हमारी वजह से लेट हो गए, एंजॉय करने। कह रहा एम्मा ने बोला कि तू कुछ बोल रही थी ना, कैजुअल में कुछ बोल रही थी, कैसे भूख लग रही थी खाना। आप टाइम पे पहुंच गए थे, हम लेट हैं। सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ कपल, वेरी गुड। और अपनी अलग लगाओ, मेरी अलग, शेयरिंग नहीं होगी अभी, भूख लग रही है। गाइस ये फोटोग्राफी टीम वालों ने सारे जो पैसे है ना प्लेटों में वसूल कर, पाव भाजी खा के साइड करी, टिक्की साइड करी, एक अपनी टिक्की अलग,
ये हमारे हिडन चार्जेस होते हैं, हमारे टीम को बताते नहीं इतने बंदे आएंगे, हम ज्यादा बंदे लेके आते हैं, खाना खाओ, फैमिली इंक्लूडेड, हमको ये नहीं पता कि कितने का प्रोजेक्ट है, उतना खाने फैल देते। फोटोग्राफी टीम का फायदा उठाते हुए एमा बहुत सारे सोलोस खिंचवा रही है, वहाँ पे भी वीडियो से निकल रही हैं, और एमा की डिमांड है कि झूमर लेना है फोटो में, तो यहाँ पे फोटोग्राफर्स इनकी इच्छा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। झूमर के पीछे पीछे शांति प्रिया घूमती जा रही है। गाय की टाइम आई है और खाने खाने वहाँ पे दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन की पेयर चल रही है, और प्रीति ने अभी एंट्री मार दी, सबसे पहले एक पीस स्टाम्प का उठाया। प्रीति प्रीति कैसा लग रहा है आपको कि आप शादी वाले दिन ही पहुंच गई हैं, जो कि हमें असंभव लग रहा था, पर आप पहुंच गई हैं। अब कल का क्या सीन है, कल का मेरा कैंसिल करवाऊंगी। सुनो, ऑल्टर पे पैसे लगाए हैं ना, मैंने मुस्कान के पापा का पहले, और हमने 8,000 के कपड़े में। डिफरेंस बिटवीन गाइज एंड गर्ल्स ऑन अ वेडिंग, ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता, और हमारा वो भी लग जाता है जो लड़कों के हिस्से का होता है। और ये भाई कितने क्या कर रहे हो, ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हो आपका पोस्ट, और एक और ले लो यार। I'm ashamed of this behavior. पंडित जी यहाँ पे समझा रहे हैं दोनों वर वधु को कि घर में जब भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी चीजें हो, शादीशुदा जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप दोनों को ऐसे ही एकांत में आके अकेले में चीजें शांति से सॉल्व करनी है, गर्मा गर्मी नहीं दिखानी चाहिए, तू सही मैं सही, है ना? Yes, I agree 100%. और इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पे हम सबके लड़के गायब हो गए, कोई नहीं है बातें सुनने के लिए। वेडिंग इज ओवर, और पूरी 25 लाख फोटोज खिंचाने के बाद यहाँ पे आके ऋतिक ने एमा से पूछा कि फोटो खिंचवानी है, एमा ने बोला और फिर सैम कह रहा है मैं तो टूट गया, कभी मना नहीं होती कोई चीज, कभी भी फोटो के लिए मना नहीं करते, हमेशा यस यस यस, तभी तो तेरे से शादी के लिए भी यस बोलेगी ना। तो मैरिज से पूछा है, तूने पूछा है उल्टा, फूल तो दिखा दे अपना घुमा के, मस्त लग रहा है एकदम। Hi guys, we're back home with सारा ग्लैम, और पता है मैंने सारा ग्लैम हमारा उतर गया है, पता है मैंने साड़ी पहन के कोई फुल शॉट नहीं लिया ब्लॉग के लिए। अरे हाँ गाइस, हम वहाँ पे इतने ज्यादा बिजी हुए थे और हम इतना लेट पहुंचे, और हम इतने टाइम बाद मिले थे ना कि हम अपनी वो लुक वुक दिखाना हमको याद ही नहीं रहा, तो बहुत सारी पिक्चर्स हमने फोटोज बहुत खींची है, और क्योंकि फोटोग्राफी हमारी टीम की थी तो हम तो पागलों की तरह अपने फोटोज खिंचवाई है, तो आप प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, हमारी फुल लुक उसी पे आपको दिखेगी, और आप सोचोगे क्या बात हो यार, दीदी दीदी की लड़ाई हो गई थी कि शादी में पहुंच के एक भी फोटो नहीं है, बट नहीं, हमने बहुत सारी फोटोज खिंचवाई थी, हमने एक भी शॉट नहीं लिया, बिकॉज वी वर टू बिजी डूइंग ऑल दैट, एंड ऑनेस्टली आई मस्ट से दैट कैरिंग अ साड़ी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट जिसको आदत नहीं है ना उसकी पहनने में बहुत वाट लगती है भाई। भाई आई वॉज वॉकिंग लाइक अ फ्रिकिंग पेंगुइन, पेंगुइन जैसे चल रही थी मैं ऐसे ऐसे करके। एक तो साड़ी भारी इतनी थी, ऊपर से वो यहाँ पे पेट प्लेट्स वगैरह बनती है ना, तो मेरा पेट इतना फूला फूला सा लग रहा था, मोटी लग रही थी मैं। एक्चुअली वो बात ये नहीं कि मोटी लग रही है, देखने की आदत नहीं है। डोंट वरी गाइस, मैं आज जितनी ज्यादा बड़ी लग रही थी ना बिकॉज ऑफ माय ट्रेडिशनल लुक, कल मैं उतनी ही यंग लगूंगी, बिकॉज कल का मेरा आउटफिट अलग है बहुत, क्योंकि रिसेप्शन है, तो आज शादी थी तो मैंने पूरा ट्रेडिशनल लुक कैरी किया, क्योंकि मैं ना जब से हमारी शादी हुई थी ना अंकित, और मैंने अभी तक कितनी शादी अटेंड करी, बट मैंने अभी तक किसी भी शादी में सब प्रॉपर मैरिड लुक नहीं किया था, है ना? तो मुझे ये करना था, बस करना था, तो और इस पता क्या एक मेन रीजन ये भी था क्योंकि फोटोग्राफी टीम हमारी थी ना, तो मेरे को पता था फोटोज मेरे को मिल भी जाएगी बहुत इजिली, तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि मेरे पास अपनी वेडिंग की पिक्चर्स भी है, निशांत के उस पे लहंगे में हो गई थी, एक साड़ी वाली लुक की मेरे पास ना प्रोफेशनल फोटोज रह गई थी, इसीलिए मैंने आज मेरे लिए
तो एमी की शादी की खुशी साथ में अपनी फोटोशूट वाली टीम थी, तो डबल धमाका था, तो इसलिए हमने जो लुक हमारी पेंडिंग थी वो हमने कर ली। अब कल हमारी होगी रिसेप्शन वाली लुक, तो उसमें आपको मेरा अलग लुक देखने मिलेगा, क्योंकि मेरे को ये लगा अलग अलग दिन ना अलग लुक रखेंगे बिल्कुल, तो आपको कल दिखाएंगे हमारी न्यू लुक। और मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे बीवी के मेरे पति के मुंह पे ताला लग जाता है। इसके साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा, हमने तो बहुत मजे करे। स्टे ट्यून्ड क्योंकि कल है रिसेप्शन, रिसेप्शन में बहुत नाच गाना होने वाला है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।